नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं इस वक्त ही बड़ी खबर के साथ, जो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से आ रही है। और राजधानी कोलंबो समेत 3 शहरों में सिलसिलेवार बम धमाके हुए। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक ईसाइयों के पवित्र पर्व ईस्टर के दिन आतंकियों ने चर्च और होटल्स को निशाना बनाया है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ा हमला और इस हमले में 52 लोगों की मौत की खबर है, और साथ ही 300 से ज्यादा लोग इस बम धमाके में घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहां पर इलाज चल रहा है। तो होटल शांग्रीला और होटल किंग्सबरी में ये धमाके हुए। 3 होटल को और साथ ही साथ 3 चर्च को निशाना बनाया गया। ईस्टर के मौके पर श्रीलंका के 3 शहरों में यह सीरियल ब्लास्ट हुआ, और इस ब्लास्ट में अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है, 300 से ज्यादा लोग घायल हैं, ये बताया जा रहा है। श्रीलंका के 3 चर्च और 3 5-स्टार होटलों में ये धमाके हुए हैं। राजधानी कोलंबो के अलावा नेगोम्बो और बट्टिकलोवा में भी धमाके हुए हैं, और सुबह 8:45 के करीब एक के बाद एक 6 धमाके हुए, और दहशत का माहौल पूरे श्रीलंका में। श्री प्रपंच हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्री प्रपंच, और क्या जानकारी मिल रही है धमाकों को लेकर? क्या किसी संगठन ने जिम्मेदारी ली है, और क्या किस तरह के एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया, इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई? हम बता दें कि जैसे ही धमाका 8:45 को हुआ था, 3 जगहों पे हुआ था, कोलंबो, नेगोम्बो और मट्टिकलोवा, जो बट्टिकलोवा कहा जाता है, वहाँ पे हुआ था। 3 चर्च और 3 लग्जरी होटल्स पे यहाँ पे निशाने बनाए गए थे। 300 से अधिक लोग घायल हुए हैं, वे अभी से अस्पताल में उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। 100 अनऑफिशियल नंबर है, 100 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है। हम बता दें कि तुरंत इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री इनफैक्ट रनिल विक्रमसिंघे ने एक इमीडिएटली बैठक बुलाई थी, और प्रेसिडेंट श्रीलंका के प्रेसिडेंट मैत्रीपाला सिरीसेना ने भी इस पूरे जो पूरा इंसिडेंट हुआ है उस पर शोक व्यक्त किया है। और तुरंत हम देख सकते थे कि पूर्व राष्ट्रपति श्रीलंका के राजपक्षे भी वहाँ पे, जहाँ पे घटना घटी थी, उस जगह पे पहुँच कर वहाँ के पूरे सिचुएशन का जायजा ले रहे थे। तो हम बता दें कि पूरा प्रशासन वहाँ पे पूरा अलर्ट है, और साथ ही साथ हम बता दें कि सभी एयरपोर्ट्स पे सुरक्षा व्यवस्था की ज़्यादा की गई है। हम ये भी बता दें कि वहाँ पे जितने भी इनफैक्ट सेंसिटिव एरियाज है, वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। इसके अलावा अभी हम श्रीलंका में जो घायल हुए हैं, इनको ब्लड ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ी है, तो इनफैक्ट सभी जगहों में ब्लड की डिमांड को इंक्रीज करते हुए, इनफैक्ट जहां भी डोनर्स है, डोनर्स को यहां पे बुलाया जा रहा है, कोलंबो और मट्टिकलोवा पे बुलाया जा रहा है। और इनफैक्ट साथ ही साथ हम ये भी बता दें कि इस पूरे हादसे के पीछे किसी ने अभी तक किसी भी प्रकार का कोई क्लेम नहीं किया है, और किस प्रकार के एक्सप्लोजिव या आईडीज यूज किए गए थे, इस विषय पर अभी भी प्राइमा वैसी बाकी है, जांच की जा रही है तुरंत दिशा में, और इस विषय में किया जा रहा है। प्रपंच, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी।